भाई और बहनों, बुआ और भतीजे के ये बुआ और भतीजे के मॉडल ऑफ गवर्नेंस में डर और भय से मुक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। ये दीदी की दरियादिली है, मेहरबानी है कि डर और भय से यहां पर पूरी तरह लोग मुक्त हैं। कौन? घुसपैठिए। डर और भय से पूरी तरह मुक्त है कौन? गो तस्कर, मानव तस्कर, बेटियों के तस्कर। डर और भय से दीदी की राज में पूरी तरह से मुक्त कौन है? दीदी के टोलाबाज और दीदी का सिंडिकेट। डर और भय से पूरी तरह मुक्त है। यहां पर डर और भय से वो लोग मुक्त है जो गरीबों को लूटने का पेशा बना करके बैठे हैं। चिटफंड वाले नेता डर और भय से पूरी तरह मुक्त है। कोयला माफिया, रेत माफिया, भाई और बहनों, डायमंड हार्बर में टूरिज्म के लिए संभावना है, लेकिन यहां गुंडों का आतंक चरम पर है। साथियों, टीचर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी और इंक्रीमेंट भले ही ना मिले, लेकिन टीएमसी के भाड़े के गुंडों को समय पर पेमेंट होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? गरीब के राशन पर, गरीब के मकान पर, मनरेगा की मजदूरी तक पर टोलाबाजी होती है कि नहीं होती है? टोलाबाजी चलती है कि नहीं चलती है? ट्रिपल टी चलता है कि नहीं चलता है? जहां एक दफ्तर तक कोई बिना टोलाबाजी के खोल नहीं सकता, वहां फैक्ट्रियां और उद्योग कैसे आएंगे, ये आप सोच सकते हैं। जो पुरानी फैक्ट्रियां हैं, जूट मिले हैं, वो भी एक घुसपैठिया गैंग बंद कराती जा रही है।